पूरा परिवार इसी से पल रहा है, दो बेटियों का साथ है। अच्छा। और उनके रिश्ते भी हो गए हैं, अब उनके लिए अरेंजमेंट के लिए कैसे हुए, बड़ा दिमाग टेंशन में रहता है। दूर से आते हैं सिर्फ। अच्छा। हाँ, पानी की वजह से, इमली का पानी है, इस वजह से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मेरे पास। मत हो उदास वो मंजर भी आएगा, मत हो उदास वो मंजर भी, वो आएगा। मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। क्यों मायूस होता है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी है। है, क्या बात है। यहाँ तक है खैर से एक गाड़ी डेली शाम को भर के आती है। अरे टार्डरी 2 रुपए की स्टील की मंगाकर स्टील के चम्मच में रखते हैं, ठीक है, और उसको सुबह देखें स्टील के चम्मच को। अच्छा। वो ब्लैक हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। अच्छा। जब इंसान के शरीर में वो पानी जाएगा तो उसकी आंतों का क्या होगा? एक एक जहर होता है खाती मर जाना, और एक जहर होता है कि धीरे धीरे बॉडी में असर होना। अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम जारी है। इस मुहिम में रोज नए नए जायके, नए नए स्वाद आपको देते हैं, और आज एक नया जायका है, नया स्वाद है भाई साहब। और मैं कहां पर हूं पहले बता दूं मैं आपको, मैं अलीगढ़ में यहां पर तिब्बा कॉलेज पर हूं, और ये लाल डिग्गी रोड है यहां पर, और यहां पर बिस्मिल्ला गोलगप्पे बहुत ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा पुराने हैं ये यहां पर, और इमली वाले पानी के गोलगप्पे लगाते हैं। तो भाई पहले मैं आपसे इनकी मुलाकात करा देता हूं, उसके बाद स्वाद और जायका भी दिया जाएगा। भाई सब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सब ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? दिलशाद अली। दिलशाद, ये बताइए दिलशाद साहब, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? लगभग 9-10 साल। अरे माशाल्लाह 10 साल हो गए आपको। जी, जी। अरे बहुत बढ़िया, तो 10 साल में तो बहुत लोग खा गए होंगे आपके गोलगप्पे। दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से आते हैं? काफी दूर दूर से आते हैं सिर्फ। अच्छा। हाँ, पानी की वजह से, इमली का पानी है, इस वजह से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मेरे पास। यहाँ तक है खैर से एक गाड़ी डेली शाम को भर के आती है। अरे गोलगप्पे खाने के लिए। अरे भाई साहब, इमली के पानी की वजह से? जी जी जी। तो कैसे बनाते हैं ये? इसमें इमली है, गरम मसाला है, जीरा है, हींग है। अच्छा। और खटाई है। अच्छा। इसमें वो टाटरी नहीं है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। टाटरी नुकसान करती है लोगों को। एक 2 रुपए की टाटरी स्टील के चम्मच में रख ले रात को, सुबह उस स्टील के चम्मच की देखना हालत क्या होती है। अच्छा। जब इंसान के शरीर के अंदर जाएगी तो उसकी आंतों का क्या होगा? अरे ये बहुत बड़ी बात बताई भाई साहब ने। जी। मतलब सुबह वो क्या करें, वो टाटरी रख लें? टाटरी 2 रुपए की स्टील की मंगाकर स्टील के चम्मच में रखते हैं, ठीक है, और उसको सुबह देखें स्टील के चम्मच को। अच्छा। वो ब्लैक हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। अच्छा। जब इंसान के शरीर में वो पानी जाएगा तो उसकी आंतों का क्या होगा? एक जहर होता है खाती मर जाना, और एक जहर होता है कि धीरे धीरे बॉडी में असर होना। अच्छा। अब आदमी जबान के जायके में ये चीजें भूल जाता है, बस वो वक्ती तौर पर ये देखता है कि मुझे जायका अच्छा लग रहा है। ये तो आप साथ साथ सेहत भी दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल हेल्दी चीज दे रहे हैं आप। हाँ। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या चीज और लगाते हैं आप यहाँ पर? मैं पानी के गोलगप्पे हैं, आटे के हैं, सूजी के हैं, ये सूजी के हैं। अरे वाह वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया, देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और एकदम बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। और ये पानी के हैं, ये आटे के हैं। अरे बेहतरीन भाई साहब, बेहतरीन, क्या बात है, ये हैं आटे वाले गोलगप्पे। ये सौंठ बिल्कुल असली दही है, असली प्योर। क्या बात है भाई साहब, ये सौंठ प्योर गुड़ की सौंठ है। गुड़ की बनाते हैं जी? अरे यार क्या बात है, ये पानी है, पानी दिखाइए आप, पानी दिखाइए, पानी क्या कह रहा है भाई साहब, ये आप, अरे वाह प्योर पानी। अरे वाह, अच्छा ये इमली का बनाते हैं? इमली का पानी है। क्या बात है भाई साहब, जब ये वीडियो बन जाए तो इसको खाना जब। अरे जरूर वीडियो में खाएंगे, वीडियो में। इसका रेट क्या होता है गोलगप्पे का? ये 10 रुपए के 3 है। 10 रुपए के 3 जी। कौन से वाले? ये सूजी के, सूजी वाले। और आटे वाले? आटे के 10 रुपए के 4 है। 10 रुपए के 4 जी। अरे वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब रेट भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है इनके। तो भाई साहब क्या हाल है, कैसे होते हैं गोलगप्पे इनके? अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। कब से खा रहे हैं आप? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए इन्हें भी, यहाँ खाते खाते बहुत टाइम हो गया, मेरी जिंदगी ही गुजर गई। किस टाइम से किस टाइम खड़े होते हैं आप यहाँ? मैं सुबह 11 से लेके और रात को 9 बजे तक
9:30 बजे तक मेरा बेटा जो है इशा की नमाज पढ़ के यहाँ से जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो किसी दिन की छुट्टी भी करते हैं आप? मैं संडे की छुट्टी कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, तो पैक करके भी दे देते हैं? जी हाँ, ये पैक कर रहा हूँ मैं इनको। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब देखिए, पैकिंग भी चल रही है यहाँ पर, ये पैक कर रही है मैंने इनकी। बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम हमारी अलीगढ़ में पहुंच गई है। इस तरह के जो छोटे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको बढ़ावा देने की हमारी ये मुहिम है। सबसे बढ़िया क्या होता है आपका? सबसे पहले मैं आपको पानी के खिलाऊंगा, फिर आपको दही सौंट के बहुत टेस्टी लगेंगे। बहुत बढ़िया भाई, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा लगेंगे खाने। अच्छा, हाँ। चलिए तो खिलाइए। और रेट भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है भाई साहब इनका, ठीक है, 10 रुपए के चार। जी जी। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, तो एक बार यहाँ पर आइए, सिर्फ स्वाद लेने के लिए, सिर्फ जायका लेने के लिए आप यहाँ पर आइए। देखिए भाई साहब बनाना शुरू कर दिया भाई साहब। हाय हाय, क्या बात है भाई साहब। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो भी खिलाऊंगा। तो ये हैं सूजी वाले? ये सूजी के ही आटे के। वाह भाई साहब, सूजी वाले बहुत क्रिस्पी हैं भाई साहब, बेहतरीन। मुझे आटे वाले पसंद हैं। जी जी, लेकिन इनके सूजी वाले बहुत अच्छे हैं। पानी वाकई में लाजवाब स्वाद आ रहा है गोलगप्पे के साथ। बहुत बढ़िया। अब मीठे वाले खिलाइएगा। जी जी। आनंद आ गया भाई, वाह। अरे आप बेहतरीन। ठीक, करीब से दिखा दूं भाई, यहाँ पर ये मीठा आ रहा है। ये मसाला डाला आपने? जी। बेहतरीन, क्या बात है। अरे वाह, दही चक्का वाला है जी। अब आप खा के देखिए, क्या बात है भाई साहब, बेहतरीन स्वाद आ गया। मीठे वाले क्या रेट है? ये मैंने 10 रुपए की प्लेट की है। 10 रुपए की? अरे भाई साहब इतने कम रीजनेबल रेट है भाई। यहाँ पर लाल डिग्री रोड पर, यहाँ पर तिब्बिया हॉस्पिटल के पास लगाते हैं भाई साहब। ये बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो है। क्या? नगर निगम के जो है, जो नगर निगम ने जो है फौजी रख रखे हैं, वो मुझे नहीं लगाने दे रहे हैं। और मैं जो है नगर निगम की जगह में भी नहीं लगा रहा, म्यूनिसिटी की जगह है वो, उसमें लगा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि आप इस रोड पे ना लगाएं, कहीं और लगाएं। और जगह इन्होंने जो है चाट पकौड़ी वालों को दुकान दे रखी है, बना के टीन सेट डाल रखे हैं, जबकि स्टेट बैंक पर कोई जगह नहीं है। आगे नगर निगम के गेट के बराबर में चाय का होटल है, गाड़ी सड़क पे खड़ी है, स्टूल उन्होंने फुटपाथ पे डाल रखे हैं, लड़के तमाम। अच्छा, वहाँ पर? हाँ, आगे। अच्छा, पूरा परिवार इसी से पल रहा है, दो बेटियों का साथ है। अच्छा। और उनके रिश्ते भी हो गए हैं, अब उनके लिए अरेंजमेंट के लिए कैसे हुए, बड़ा दिमाग टेंशन में रहता है। और फिर इधर मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 10,000 रुपये रेडी वालों को, ढकेल वालों को दे रहे हैं हम, उनको मजबूत बनाना है, लेकिन नगर निगम हमें हटा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई नगर निगम वाले भी ध्यान दें, इस तरह के जो गरीब लोग हैं, जो रोड पर नहीं लगा रहे, रोड से पीछे लगा रहे हैं, और ये लोग अपना पालन पोषण करते हैं रेड़ी वाले, और पूरा पूरा परिवार सिर्फ ये इतना सस्ता स्वाद देते हैं, उसके पर ही अपना परिवार पालते हैं, और 10-10 साल से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी अच्छे अधिकारी होते हैं, और वो भी अच्छा समाज में काम करते हैं। तो इस तरह पर समाज में काम करें कि इनको भी कोई नुकसान ना हो। लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इनकी जैसी मदद कर सकते हैं वो इनकी मदद करें यहाँ पर आकर। और जो भी यहाँ के लोकल अधिकारी हैं, यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं, वो ऐसे गरीब लोगों की मदद करें। और अब स्वाद की बारी है, मैं स्वाद बता दूं। मीठे वाले गोलगप्पे सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं आपके, ना? जी जी। बहुत बढ़िया भाई साहब, देखिए ये इन्होंने 10 रुपए की पूरी प्लेट दी है यहाँ पर, शानदार। और दही वाले जो हैं बड़े ज़्यादा फेमस होते हैं, तो स्वाद और जायका भी आप ज़रूर लीजिएगा, ताकि इस तरह के छोटे स्ट्रीट फूड वेंडर्स की मदद हो सके। अब स्वाद और जायका मैं आप तक पहुँचा दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, वाह।
बेहतरीन। मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ और वो दुनिया में हर किसी पे फिट होता है, लगता है हर आदमी के अंदर एक ना एक चीज, कोई ना चीज, किसी ना किसी चीज को हासिल करने में रहता है। कोई अपनी दुकान चलाने में मगरूब है, कोई किसी से, कोई अपने बच्चों को पालन पोषण बढ़िया देने में कोशिश कर रहा है, कोई कोई जो है बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए उसको एडमिशन दे रहा है। तो हर इंसान के अंदर एक ना एक लगन है, लेकिन मेरा मानना है मत हो उदास वो मंजर भी आएगा, मत हो उदास वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। क्यों मायूस होता है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी है। आए है, क्या बात है भाई साहब, एक बार और बहुत कर रहा शेर है। मत हो उदास वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। क्यों मायूस होता है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब बहुत मजा आया आपसे मुलाकात करके। तो भाई स्वाद और जायकों का सफर हमारा कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। और इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, तिब्बा कॉलेज हॉस्पिटल के बिल्कुल गेट पर यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर शानदार जायके मिलते हैं इमली वाले पानी के साथ। और भाई साहब का ये ठेला यहाँ पर लगा हुआ है, शानदार छोटा सा ये कार्ट है यहाँ पर, छोटा सा ये ठेला है यहाँ पर। और यहाँ पर दिया जाता है स्वाद और जायका। तो स्वाद और जायकों के सफर में आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।